हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में शिवरात्रि पर उज्जैन और महाकाल मंदिर में क्या क्या तैयारी है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। इसलिए हमारा ये वीडियो बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है। मैं आपसे निवेदन करूँगी कि ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आइए जानते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर की विशेष तैयारियां क्या क्या है। इस बार विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को मनाया जाएगा। अनुमान है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव के दर्शन करने 10 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे। इस बीच एक माह पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महाकाल मंदिर समिति के अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर 10 फरवरी से शिव नवरात्र की शुरुआत होगी। भगवान महाकाल दूल्हा बनेंगे और 9 दिनों तक संध्या आरती में भगवान का नित्य नया श्रृंगार होगा। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर दिन भर भगवान का जलाभिषेक होगा। मध्य रात्रि महानिशाकाल में महाकाल की महापूजा होगी। 19 फरवरी को तड़के 4 बजे भगवान के शीश पर सवा मन फूल व फलों से बना सेहरा सजाया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे साल में एक बार दिन में होने वाली भस्म आरती होगी। वहीं महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के 2 दिन बाद फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर 21 फरवरी को भगवान महाकाल का पंच मुखाविंद श्रृंगार होगा। महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को दिन मनाया जाएगा। इसको लेकर अभी से ही उज्जैन नगरी में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बाबा महाकाल की नगरी में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के किनारे महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लाखों दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। इसको लेकर उज्जैन वासियों में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि इससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ऐसे में जिस दिन दिए प्रज्वलित किए जाएंगे उस दिन जानी मानी हस्तियां और कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें, राम घाट, दत्त अखाड़ा घाट, सुनहरी घाट 21 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ऐसे में इसके लिए 50,000 लीटर तेल और 25 लाख रुई की बाती और मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेकर उज्जैन नगर निगम ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं लोगों में भी अपील की गई है कि पूरे उज्जैन में दिए प्रज्वलित कर शिव दीपावली मनाए जाए। इसके लिए उज्जैन में विश्व मंच पर स्थापित किया जाएगा ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। गौरतलब है कि पिछले साल भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 11 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए थे। इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। वहीं दीप प्रज्वलित के बाद आतिशबाजी के साथ शिप्रा माँ की आरती भी की गई थी। उस वक्त का नजारा देखने लायक था। लोगों ने कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। इस बार दिए प्रज्वलित कर पूरे उज्जैन नगर को रोशन कर महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। ये दिन बहुत ही खास होगा दोस्त। अब बात करते हैं शिवरात्रि पे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की। शिवरात्रि पर कैसे होंगे महाकाल के दर्शन? इस बार शिवरात्रि में मंदिर पहुंचने वाले भक्तों को श्री महाकाल लोक में फैले बड़े परिसर से होकर दर्शन करने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। चार धाम से त्रिवेणी संग्रहालय तक, इसके बाद श्री महाकाल लोक से होकर श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। इससे पहले गाड़ियों को हरी फाटक ब्रिज और इसके पास में ही मन्नत गार्डन पे रोक दिया जाएगा।
श्री महाकाल लोक के बाद सबसे बड़ी समस्या पार्किंग को लेकर आ रही है। वर्तमान में कर्कराज त्रिवेणी चारधाम मंदिर और हरसिद्धि रपट पर पार्किंग पर करीब 2000 वाहनों की सुविधा है। महाशिवरात्रि पर आने वाले वाहनों की संख्या में 5 से 7 हजार के बीच बताई जा रही है। हरी फाटक ब्रिज पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध से त्रिवेणी व हरसिद्धि क्षेत्र की पार्किंग पर असर पड़ेगा। पार्किंग के लिए मन्नत गार्डन की जमीन तैयार की जा रही है, अभी इसका काम चल रहा है। सो एक्सपेक्टेड होगा कि हरी फाटक ब्रिज से हरसिद्धि मंदिर गेट तक आपको पैदल जाना होगा और फिर लंबी लाइन में लग कर आपको महाकाल बाबा के दर्शन होंगे। तो शिवरात्रि पर अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप लोगों को उज्जैन स्टेशन उतरकर हरी फाटक ब्रिज पर आना होगा। वहां तक के लिए आपको शेयरिंग मैजिक गाड़ी या प्राइवेट ऑटो रिक्शा मिल जाएगी और वहां से पैदल आपको चारधाम मंदिर के रास्ते हरसिद्धि मंदिर के गेट के पास लाइन में लगना पड़ेगा। या फिर एक और तरीका है कि आप 250 रुपए पे कर प्राइवेट लाइन में भी लग सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसी है प्रशासन की तैयारी महाशिवरात्रि को लेकर। शिवरात्रि से पूर्व उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह को चमकाने की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। यहां गर्भगृह में रजत दीवार और रुद्र यंत्र की सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके चलते मंदिर समिति द्वारा 3 दिन के लिए गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा गर्भगृह की सफाई की जाएगी, जिसके कारण समिति द्वारा 3 दिन यानी कि 7 से 9 फरवरी के लिए गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में दर्शनार्थी नहीं जा सकेंगे। यह व्यवस्था सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। अभी की व्यवस्था के अनुसार दोपहर में 1 बजे से शाम तक लोग महाकाल मंदिर में गर्भगृह में जाकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो आप ही लोगों के लिए है। जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अंत में भी यही कहूंगी, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले दोस्तों, और महाशिवरात्रि पर एक बार जाके महाकाल बाबा के दर्शन जरूर करें। और जैसे कि मैं हमेशा विदा लेते समय आप लोगों से कहती हूँ, कर्म अच्छे करते रहिए, धर्म की राह पर चलते रहिए। हर हर महादेव।